मैं वजीफा कर रही हूँ 786 ग्राम बिस्मिल्लाह का, 3 दफा विद्या मुबीन और 6000 दफा या लतीफ़ को सुन रही हूँ। गुड सर, तो मेरी टेस्टमनी ये है कि कुछ दिन पहले ना आपसे मतलब अब मैं ग्रुप में ही थे, तो मामा की ना तबीयत बहुत ज्यादा अचानक खराब हो गई थी, हार्ट का लेकिन इशू हुआ। तो हम उन्हें लेके गए, हमारे पास हॉस्पिटल है चिन्हौट हॉस्पिटल ना, तो वहाँ पे लेके गए। तो उन्होंने कहा अपने ना फॉरन हार्ट वाले हॉस्पिटल में ले रहे, कार्डियोलॉजी में ना इनकी ईसीजी नहीं सही। तो अब मैंने ना ग्रुप में छा था, उसे टाइम मैसेज किया, मैंने आपको टैग किया, आपने ना मैसेज चेंज किया, मुझे रिप्लाई आप नहीं भी देते, लेकिन जैसे आपने मैसेज चेंज किया ना, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि अब मतलब हो जाएगा, सब कुछ सही आएगा। और मैंने ना उसी टाइम 19 टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ी, और मतलब मैंने दुआ की कि मामा की ना ईसीजी सही आ जाए। फिर ना ईसीजी रूम के बाहर जब गए ना, तो अंदर भी मैं गई हूँ, वो ईसीजी के लिए लेके गए, तो मैंने उस टाइम में 19 टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ी। शायद सब जो ईसीजी हमने पहले हॉस्पिटल से करवाई थी उसमें इशू था, और दूसरे वाले में बिल्कुल क्लियर थी, कोई एक मतलब होता है ना कि जरा सी भी कोई रुकावट आई हो तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो डॉक्टर को चेक करवाया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, हार्ट का मसला था, लेकिन अभी तो कोई मसला नहीं है आपको, वैसे ही वो मतलब बीपी का मसला हो गया, कुछ भी नहीं है, और ब्लड प्रेशर ईट एंड एवरीथिंग थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया।